हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज हम लोग जिस पोएम को एनालाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, रिटन बाय नसीम इज़किएल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नसीम इज़किएल को 1983 में इन्होंने एक अपना पोएम का कलेक्शन पब्लिश किया था, उसका नाम था लेटर डे सैम्स। इसके लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। तो ये क्या पता क्वेश्चन में आ जाए आपके। इसके अलावा शुरू करते हैं। आय इसका मतलब ये है कि ये जो पोएम है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। इसमें पोएट है वो अपने सामने हुआ एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, पूरा का पूरा डिटैच है वो पोएम से। मतलब वो पोएम में तो है मगर अपनी तरफ से उसने कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की हुई है। नंबर टू, इस पोएम में उसने सटायर किया हुआ है, ठीक है, और अपनी मदर के लिए, बेसिकली जो भी इंसिडेंट होता है वो उसकी मदर के साथ होता है, तो उसने अपनी मदर के लिए स्पेशली कंपैशन शो किया हुआ है। नंबर टू, उसने इंडियन कल्चर को बेसिकली देखा जाए तो रूरल जो कल्चर होता है उसको उसने, रूरल फोक के जो लोग होते हैं उनको डिस्क्राइब करने का, उनका बिहेवियर, उनका तरीका, कैसे वो एक दूसरे के प्रॉब्लम में शामिल होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आपको वो देखने को मिलेगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं पोएम को। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। वो मुझे रात, आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट, जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया हुआ था। 10 घंटे स्टडी रेन, लगातार हो रही बारिश में, एकदम कंटिन्यूस बारिश हो रही थी उसमें। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ड आया है हिम। यहाँ पे शो देखिए मदर के लिए तो आ नहीं सकता, तो बेसिकली की बात यह है कि वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, उस स्कॉर्पियन के लिए, कि वो क्रॉल करते हुए एक बोरे के नीचे आ गया था जिसमें चावल भरा हुआ था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश द हिज डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द राइड अगेन। और उसने अपनी पॉइजन को फ्लैश किया, निकाला। अपनी डायबोलिक टेल क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा डायबोलिक तो ऐसे होता है कि दो तरफ से, ठीक है ना, डाया यहाँ पर लगाइए, दो को डिस्क्राइब करता है, बताइए आपको। तो एक ऐसे करके जो उसकी डंग स्टिंग होती ना उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है यहाँ पे। डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। और उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो बारिश वाला मौसम है ये फिर से रिस्की हो गया, मतलब ये बहुत ही सेफ नहीं है अगर बारिश के मौसम में आप इधर उधर टहल रहे हैं। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ गॉड एंड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन। ओके, अब पीजेंट्स सारे गांव के लोग में जब खबर फैली कि ऐसा ऐसा हो गया उनके घर में, तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, कैसे, जैसे स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, जैसे कि मक्खियां चली आती हैं बिल्कुल झुंड में, स्वार्म्स में। ओके, उसी तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं और बजिंग करने लगे। देखिए ये पहले बात तो सिमली है, ठीक है ना, लाइक लगा के, और उसके बाद देखिए अब इन्हीं की, अब वो लोग बातें कर रहे हैं तो एक तो मक्खियों की तरह आ गए और अब बज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको वैसे तो बेसिकली एक्सटेंडेड मेटाफर बोलते हैं, जब मेटाफर को आप कंटिन्यू करते हुए चले जाओ तो एक्सटेंडेड मेटाफर है ये, कि और बज करने लगे। तो पीजेंट्स के बात करने को वो क्या बोल रहा, बज कर रहा, और बज करने में वो बेसिकली कर कह रहे हैं, भरमुना कह रहे हैं, गॉड्स ऑफ 100 times, गॉड का नाम ले रहे हैं 100 बार। क्यों, क्योंकि इससे वो पैरालाइज कर सकें या फिर कह लीजिए कि किल कर सकें, किसको, इविल वन को। यहाँ पे इविल कौन है, वही स्कॉर्पियन जिसने काट लिया हुआ है। विथ कैंडल्स विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल दे स्क्रैच्ड फॉर हिम दे सर्च्ड फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड। ओके, कह रहा है कि मतलब कैंडल से और लैंटर्न से सब जगह कोशिश करते करते वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो उनकी शेडो है ना वो अपने आप में खुद ही एक स्कॉर्पियन लग रही है। कहाँ पे देख रहे हैं, जो कच्ची दीवारें हैं उसके बीच में देखने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो उनको कहीं मिला नहीं। ओके, ही यहाँ पे अगेन स्कॉर्पियन ही है। ओके, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार पूरे के पूरे पोएम में दे सेड दे सेड दे सेड आया हुआ है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, दे क्लिक दियर टंग। अच्छा, इस चीज़ का मतलब है यहाँ पे दे कौन, यही सारे पीजेंट्स से जो आए मिलने हुए, और क्लिक दियर टंग ये एक तरह का फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है टू फील डिफीट। ओके, तो व्हेन एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड। अच्छा देखिए इंडियननेस है, क्योंकि हम लोग दो लोगों की कई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, तो वो पोइट भी क्या कह रहा है कि देखिए
जो स्कॉर्पियन है जैसे जैसे मूव कर रहा है उसी उसी तरह से जो उसका पॉइजन है वो भी मेरी मदर के ब्लड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा वो लोग कहते हैं, तो बस वो उसी बात को बिलीव कर रहा है और वही यहाँ पे पोएम में लिख रहा है, मे सिट स्टिल दे सेड। और अगेन फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा हो, भगवान करे कि वो बैठा रहे ताकि जो उसका जो ब्लड है जो ताकि जो उसका पॉइजन है वो उसके मदर के ब्लड में फ्लो ना हो। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट दे सेड। और कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिछले कर्म हैं पिछले जन्म के वो आज ही आज खत्म हो जाए, मतलब अगर तुमको सांप बिच्छू ने काटा है तो ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है और इसी के साथ ही अब तुम्हारे सारे कर्म चले जाएं, क्योंकि तुमको इस एक तरह जो पिछले तुमने कोई बुरा पाप किया है तो उसका सजा चलो मिल गई तुमको। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। और फिर से वही लोग कह रहे हैं कि चलो अच्छा है इसके बाद से तुम्हारे जो नेक्स्ट बर्थ के जो मिसफॉर्च्यून्स हैं वो कम हो जाएगा, मतलब क्या पता जब अगला जन्म होगा तो तुमको, देखिए कितना सुपरस्टिशन है इन लोग की लाइफ में। ओके, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकॉज डिमिनिश्ड बाय योर पेन। और कह रहा है कि ये जो संसार ये अनरियल है, ठीक है ना, और इसमें जो पेन तुम फील कर रही हो इसकी वजह से तुम्हारा सारा का सारा इविल सारे के सारे पाप जो हैं वो कट जाएंगे और तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगी। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड। और अगेन वही लोग फिर से कह रहे हैं कि इसी पॉइजन से क्या पता तुम्हारा जो जो तुम्हारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है और योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन है जो तुम्हारे अंदर और लालच ग्रीडनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। दे सेट एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। ओके, और वो लोग मेरी मदर को बीच में बैठा के लिटा के आराम से बातें करने लगे और उन सब के चेहरे पे एक दूसरे को ये जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं लगातार ये एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं और सब समझ के सर हिला रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि हाँ बहुत सही है। मोर कैंडल्स मोर लैंटर्स मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। ओके, देखिए यहाँ पे सब बहुत एकदम एकदम जो इस पोइम का डिक्शन है ना, डिक्शन मीन्स द सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट इज़ रियली वेरी इजी, तो इसमें कुछ एक्सप्रेस करने जैसा है ही नहीं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू, अच्छा अब यहाँ पे फिर से वो अपने मदर का पेन को फिर से बता रहा है कि मेरी थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और मेरी मदर को फिर से तकलीफ हो रही है तो वो बस ग्रोन कर रही हैं करा रही हैं। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स पाउडर हर्ब एंड हाइब्रिड। और कह रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं वो थोड़े से स्केप्टिक किस्म के आदमी हैं, वो हर चीज़ डाउटफुल नज़र से देखते हैं और रेशनलिस्ट हैं, उन लॉजिक से बात करते हैं। और उन्होंने उन्होंने क्या किया, मतलब बाकी लोग तो ये इधर उधर की बातें बता रहे हैं कि पाप पुण्य ये सब की बातें बता रहे हैं, मगर मेरे फादर ही वॉज़ वेरी स्केप्टिक एंड रेशनलिस्ट, तो ही स्टार्टेड डूइंग व्हाट, ही स्टार्टेड यूजिंग मिक्सचर पाउडर हर्ब्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या फिर हाइब्रिड कोई भी चीज़ जो उनको मिल रही थी जिससे लग रहा था कि उनको बस ये ठीक हो जाए उसका दर्द कम हो जाए वो यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट मैच टू इट। और उन्होंने कहा कि और तो और उन्होंने कैरोसिन डाल दिया था उस जगह पे जहाँ पे उसने काटा था और उसके बाद उसमें थोड़ी सी माचिस भी लगा दी, क्या पता जहर जल जाए या फिर कई लोग कहते हैं ना कि दाग दो तो उतनी जगह पे जहर ख़त्म हो जाता है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैंने देखा क्या कि फ्लेम माँ के पाँव पे और वो मतलब जल रही है मेरी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेस। आई आई का यूज़ तो हुआ है मगर अगेन मैं बता रहा हूँ जीरो इन्वॉल्वमेंट, किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि एक होली मैन एक आया हुआ है और वो मंत्र पढ़ रहा है जिससे कि मेरी वो इनकैंटेशन मतलब होता है जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि टेम कर लेगा वो पाल लेगा पॉइजन को, मतलब पॉइजन को कंट्रोल कर लेगा। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटे के बाद क्या चीज़ काम की नहीं पता, फादर का पैराफिन फेंकना या फिर इसके मंत्र ने काम किया पता नहीं, मगर 20 घंटे के बाद कुल मिला के मेरी मदर को रिलीफ मिला। और इसके बाद रियल मदर का जो सेल्फ सेक्रीफाइजिंग लव होता है तो वो सामने आ रहा है, सेल्फ सेक्रीफाइजिंग लव। कहती हैं कि माई मदर ओनली सेड, और जब उसके बाद जब वो उठती हैं तो कहती हैं थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन, मतलब अच्छा हुआ कि मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा मगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।